तो हेलो एवरीवन, दिस इज मिस्टर स्पाइक। गाइस, आज अपन देखने वाले हैं इंडिया वर्सेस कोरिया इनविटेशनल टूर्नामेंट। व्हिच इज वर्थ ओवर 1 crore rupees एंड द फर्स्ट एवर इंटरनेशनल लॉबी इज हियर फॉर ऑल द BGMI ऑडियंस। तो हम बोल सकते हैं कि द लैंड वाइब्स आर बैक। इतनी शांति क्यों है यहाँ पर यार? ये इवेंट टोटल 3 दिन का होने वाला है। इतनी शांति में मजा नहीं आएगा। हेलो एंड वेलकम, कैन यू मेक सम नॉइज नाउ? ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू BGMI इंडिया कोरिया इनविटेशनल। ये इवेंट हो रहा है प्रगति मैदान स्टेडियम दिल्ली में। दिल्ली मेरी जान, मेक सम नॉइज। ये इवेंट में 8 best teams ऑफ इंडिया कम्पीट करने वाले हैं 8 best teams ऑफ कोरिया के अगेंस्ट। अब देखिए, ये है BGMI का इंडिया कोरिया इन्विटेशनल एंड जो 8 teams इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाला है, एक बार देख लेते हैं ऑन स्क्रीन। TWM गेमिंग। Revenant Esports का Esports, God's Reign, Blind Esports. Let's welcome Team X Spark. Brother Esports, Gladiators Esports. कोरिया को जो रिप्रेजेंट करने वाले हैं वो भी टीम से एक बार देख लेते हैं अपन। ईगल आउल्स। टीम रॉक्स। M-Tex Tomax. Esports all the way from South Korea. Red Force.
प्लस किया। चाहे आप कोई भी टीम का सपोर्टर हो, गॉडलाइक का सपोर्टर हो, सोल का सपोर्टर हो, टीम एक्सपार्क का सपोर्टर हो, इट डज नॉट मैटर। आज अपने को सपोर्ट करना है इंडिया को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नीचे एक लाइक वाला बटन होगा, उसको फटाफट हिट कर दो। ऐसे वीडियोस हर रोज देखने के लिए अपना लाइक गोल रखते 25 के लाइक्स का, एंड अपना सब्सक्राइबर गोल रखते 900 के सब्सक्राइबर्स का। मेक दैट हैपन, मेक दैट हैपन। विद दैट बीइंग सेड, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। टूर्नामेंट शुरू हुआ तो भाई मेरे को मजा आ गया देख के, कोरियन एम्बेसडर ने नाचो नाचो गाना फ्रॉम RRR पे डांस किया। एक बार देखो एग्जैक्टली क्या हुआ। So, without song, I just show you my steps. Without song. Nandu, ladies and gentlemen. भाई मेरे को भी इतना कूल बनना है इस एज में। So, I like moving. The audience wants it once again. इरांगल, लेट सी टीम इंडिया और टीम कोरिया कौन लेके जाने वाला है। अरे बाप रे बाप, नजर आ रही है वही ड्रॉप क्लैशेस, गॉड ट्रेन वर्सेस EOS। पहला लॉक है वो भी आता हुआ नजर आएगा। और सामने डी प्लस किया, नॉल्बू के पास एक शॉटगन जरूर है, सामने तो शॉटगन से स्वागत करेंगे जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं। एथीना भी एक शातिर टीम, में देखना चाहूंगा किस तरह से वो इस्तेमाल करते हैं नेट्स का, स्मोक्स का। ब्रो ब्लाइंड इज वन ऑफ द मोस्ट एग्रेसिव टीम्स ऑफ इंडिया होता है, तो ये वाला फाइट खतरनाक होने वाला है। डीके ऑलरेडी एक बंदा मर गया। एक और नॉक की दरकार, पर नकल हुए डाउन फैबियन। फैबियन डीएसएस का प्रहार किया। ये बैटल अब बन चुकी है, प्रदान किया जाएगा क्या, पुश करेंगे भाई। कोई वेस्ट नहीं, कुछ नहीं इनके पास, के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर, नो हेलमेट नो वेस्ट ओसल के पास। देखिए टी प्लस किया की बात करें तो उतनी बेहतर लूट हमें उनके पास देखने को मिलेगी नहीं, क्योंकि एक्चुअली ब्लाइंड का ड्रॉप यही है, एक खिलाड़ी गवा दिया और फिर वहां से टीम ब्लाइंड ने उनको प्रेशराइज किया, तो इन दोनों का ड्रॉप क्लैश हुआ। ओए वो नेट, वो नेट अच्छा हो सकता था, वो एग्जीक्यूट हो चुका है, नकुल भी रहो गया, कोशिश जिसका कनेक्शन आएगा नहीं। बट अब वो जो बॉडी लैंग्वेज देख के मेरे को लग रहा है ब्लाइंड है ना भाई, मारने के लिए आया आज, पूरा मूड में आया वो लोग। कंपाउंड के अंदर एक 2v4 की बैटल, देखिए तभी तो ऊपर जा सकता है, नेट बहुत इंपॉर्टेंट, नकुल का नेट आएगा, मसाल को डाउन किया जाएगा पूरी तरह से। डी प्लस किया बैकफुट पे, हर एक स्पिनर एक साथ पुश करते हुए, मतलब देयर सेटिंग एन एग्जांपल, इट्स डे 1 है फर्स्ट मैच, दैट्स द मोमेंटम फॉर एवरीवन। खत्म हुआ नहीं फैबियन, एंड ब्लाइंड इज लाइक ब्रो बुलेट ज्यादा है नहीं, लूट इतनी अच्छी है नहीं, दे आर सेंडिंग अ मैसेज टू यहां पे इंडिया में आके एक 1v4 कर सकते हैं। बिल्कुल भी 1v4 सिचुएशन है फाबियन को, हम जानते हैं काफी ज्यादा बेहतरीन खिलाड़ी है और साथ ही साथ ग्रेनेड की वो बहुत हार्ड की जा रही है, एक स्टन भी वहां पे किया गया, बट उसके बाद अरे कोशिश चली, पकड़ा गया पर अब खिला गया ब्रो, वो भी हमें देखने को मिल जाएगा। मान लिया था खेल को ज्यादा ही अग्रेसिव दिखाने की कोशिश की, ब्लाइंड है ब्रो, टीम इंडिया है सामने और हल्के प्लेयर नहीं है, और इसी के साथ मान लिया थोड़ा सा का एलिमिनेशन, थोड़ा ओवर कमिट लगा हमें, बट कोई बात नहीं, चार किल मिल गया ब्लाइंड को, वेरी गुड स्टार्ट फॉर टीम इंडिया एंड टीम ब्लाइंड, एक फिनिश के साथ एक अर्ली एलिमिनेशन। और साथ ही साथ हम थोड़ी मेटा की भी बात करते हैं, अर्ली फाइट ब्रूइंग बिटवीन गॉड्स रेन, वो उतना ज्यादा डीपीएस का फॉलो अप करते हुए नजर, स्टार्टिंग में देखा था मैंने, मुझे लगा एक को फिनिश कर दिया, इस्तेमाल हमें देखने को मिलता है। ओए और एक नॉक, एक बेहतरीन निंजा पूरा फ्लो में क्या के द्वारा जाता हुआ नजर आएगा, निंजा जॉय गलाउ बहुत ज्यादा मुश्किलों में, एक खिलाड़ी को अपना ऑलरेडी खो चुके हैं और यहाँ पर प्रहार करते हुए गॉड ट्रेन के खिलाड़ी एक्ट को भाग जाएंगे, बट निंजा तो भाई एक और विक्ट्री कर दिया S12K के साथ, ईगल आउट मात्र एक खिलाड़ी के साथ बचे हुए हैं, और देखते हैं अजीब लगता है जॉर्ड वॉल के टीम फिनिशेस, तीनों निंजा जॉर्ड के पास जाते हुए नजर आए, बट सेवू का एक ग्रेनेड और शायद कोशिश काया पलट करने की, साइवू बैक टू बैक नेट्स, बैक टू बैक नॉक, साइवू गेम को चेंज कर सकते हैं, पुश करने की बारी साइवू के पास आई जरूर है। चलिए कूदेंगे नीचे, शॉटगन भी है उनके पास, यूएमपी भी है, बट सामने रॉबिन, ये मनीमैन बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रो, एफपीबी मोड का इस्तेमाल किया, रॉबिन मिस नहीं करेंगे, रॉबिन टेक डाउन साइवू, गॉड्स रेन वाइप्स यूएस,
या डोमिनेशन देखिए भारत में आई हुई टीम दो टीमों को हरा दिया है अब ऑलरेडी इंडिया डोमिनेटिंग राइट ये एक बहुत खतरनाक इंडिया के लिए मीनवाइल मेडल स्पोर्ट्स का तीन बल्ले वर्ग है लास्ट मैन स्टैंडिंग जोया बट ऐसे में टीम एक्स पार्क लेके सर्कल के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं जोया की चुनौती को दो पार करना जरूर चाहते हैं लेकिन वहां पे फाइट लेने की कोशिश पुकार की तहार नो चांस वो जो फिनिश है वो डक्सन ईस्पोर्ट्स के खिलाड़ी लेके जाएंगे और साथ ही साथ पुकार को भी डाउन किया जाएगा अरे भाई साहब एक स्प्रे में दो बंदे ले लिया उसने कितनी स्मार्ट स्ट्रेटजी वो देखने को मिली डक्सन ईस्पोर्ट्स की तरफ से अब वो डक्सन ईस्पोर्ट्स जाता आपको देखेगा बट टीम एक्स भी ले लिए मेडल का और पुकार को भी नॉक किया जोन के अंदर जाना सबसे बड़ी प्रायोरिटी वो फिनिश निकाला गया डेस्ट्रो गोजेपियान को भी डाउन करेंगे और अभी के लिए डक्सन ईस्पोर्ट्स उनकी मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ती हुई डक्सन ईस्पोर्ट्स जूनियर है बहुत अच्छा खेलता है वो भी मुश्किलों में देखने को मिलता है टीम इंडिया वर्सेस इंडिया हो रहा है और भारत लॉबी के आपने आई क्यू देखा वहाँ पे फियर्स का गाड़ी के अंदर बैठे ये जताया मैं जा रहा हूँ एग्जिट करते करते क्रॉसर से मार दिया उसने ग्रेट माय फियर्स बट डक्सन ईस्पोर्ट्स क्या जोन से मर रहे हैं जरूर उनको खत्म करेंगे शिकार होते हुए नजर आ सकते हैं जूनी भी बहुत बढ़िया खेलता है जूनी वर्सेस के होने वाला है क्या प्रहार और बहुत सही अरे वो कौन सा गन यूज कर रहे हैं फार्मर्स को मिलता हुआ दो फिनिशेस उनके पास मौजूद फार्मर्स यूज कर रहे हैं वही सैम्स को देखिए अभी भी डटे हुए अभी भी फाइट लेते हुए ऋषि यार पांच टीम्स बचे इंडिया के बिग ब्रदर ईस्पोर्ट्स शानदार खेला बीजेएस के अंदर कोरिया से अपने अपोनेंट को बट यहां पे कोरियन टीम्स से अपना नाम बनाने आए हैं टीम्स तीन है इंडियन टीम बिग ब्रदर ईस्पोर्ट्स एंड टीडब्ल्यूएम जोन के अंदर एंट्री क्या वो ले पाएंगे बाकी सब बाहर ब्रदर ईस्पोर्ट्स के पास एक बिग ब्रदर फोरमैन स्ट्रांग दिख रहा है पोजीशनिंग है जहां पे सर्वेत और उजुमाकी ऑलरेडी वो सर्कल के अंदर पहुंच चुके हैं चल बिग ब्रदर बाकी की टीम्स को सर्कल के अंदर ओए होए 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 ईएमटी से बीट दिया इसको एनएसआर को एनएसआर के एक्सजीवाई उन्होंने एक नॉक निकाला जरूर है बट सैफ और ऋषि को अब सर्कल के अंदर जाना चाहिए साइकिल फिनिश ऑफ किया जाएगा और अब वर्ल्ड माफ किया अरे यार अभी तो बोला मैंने ऋषि को टेक नाम ले आऊं दुबाकी कोई बात नहीं हो जाएगा आने वाली है सैफ और सर्विस ऑलरेडी सर्कल के अंदर मौजूद है अभी बस ग्रेनेड्स नहीं है क्या ये वाली बात रहेगी यहां पे वन गुड ग्रेनेड रे कनेक्ट मत जैसे कवर कर नहीं सकते वहां पे विजन नहीं है बट रिवाइवल बट पकड़ा गया वो भी ब्रो पुश कर देंगे नेड जा जरूर रहे हैं बट अभी तक कोई इतना बेहतर नहीं देख रेड फोर्स विल पुश राइट क्या ये सही लग जाएगा बिल्कुल ओपन में जाके देखने की कोशिश किया जाएगा सैफ के द्वारा दैट कवर जिसके बारे में हम बात कर रहे थे और एक भी नॉक कर दिया बट बिग ब्रदर ईस्पोर्ट्स अब रश करने की बारी है अब प्रहार करने की बारी है आक्रमण पे आती हुई ये टीम फोटा एक शानदार खिलाड़ी इसके सामने बचना थोड़ा मुश्किल रहता है एक प्लेयर को डाउन किया स्पोटा वो जंप शॉट अभी भी आते हुए कॉन्फिडेंस है कोई छोड़ लगा को डाउन करेंगे देखने वाली बात है यस स्पोटा डिड इट वेल प्लेड ब्रो वेल प्लेड बहुत सही खेला बचे हुए ये बेस्ट खिलाड़ी का दो बंदे भाई जो यहां पर शाइन करते हुए नजर आएंगे 1v2 ऑलरेडी कर चुके हैं सारे द लास्ट मैन स्टैंडिंग फॉर बिग ब्रदर बाकी रहेगा वहीं दूसरी तरफ से योन वो एक नॉक निकालेंगे स्पोर्टा वहां पे रिवाइव करते हुए नजर आ रहे हैं बट जोन का प्रहार बहुत भारी रहने वाला है स्पोर्टा को लास्ट के अंदर जाना पड़ेगा भाई बिग ब्रदर ईस्पोर्ट्स वो जो रिवाइवल है वो इनिशिएट करते हुए नजर आ रहे हैं मुझे लग रहा है कि इन दोनों ही जोन में पे काफी बेहतर खेले चारों प्लेयर इंडिया कोरिया एमटेक का पहला मैच विनर विनर चिकन डिनर बट मैं रियली चाहता कि यार बिग ब्रदर चिकन निकाले फोरमैन थे वो बट वो एनएसआर के फाइट ना बहुत भारी पड़ गया वो स्पोर्टा भाई तो भाई क्या ही खेला उसने क्या ही खेला मजा आ गया देख के तो आई एम प्रीटी श्योर इंडियन टीम से ना भाई बहुत प्रिपेयर होके आया है आज मैच वन में हमने देखा है किस तरीके से गन फाइट में पेल लिए मुझे लगा बहुत ज्यादा स्किल गैप देखने को मिलेगा बट यार नहीं इंडियन टीम्स आर स्ट्रांग सो फार हमने ग्लैडिएटर स्पोर्ट्स का कुछ उतना नहीं देखा बट गॉड थ्रेन एंड ब्लाइंड ने एक मैसेज तो जरूर सेंड किया कि भाई हमारे ड्रॉप पे मत आओ अगर
अगर हमारे ड्रॉप पे आएंगे तो भाई रिजल्ट तुम लोगों को पता ही है क्या होगा। अब बढ़ते हैं अपना मैच टू की तरफ। सर्कल का डैमेज उन्हें पड़ेगा लेकिन अरे भाई टैंक की भाई चार बंदे उधर एक दो नहीं वही टी डब्ल्यू इन ट्रबल। स्मोक की ट्रेल बनाई थी उसके थ्रू सही जगह पर पहुंच गए लेकिन ये S686 सिर्फ दो ही शॉट्स मार पाएगी। टी डब्ल्यू बाहर हो गई तो ठीक लेकिन उन्हीं के लिए एक ग्रेनेड आएगा कैच करने के लिए एंड ही गोस डाउन। कैच करने के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से आगे जा रही है पावर हील करने की कोशिश। गॉड ट्रेन बाहर लेकिन शायद इससे ज्यादा कुछ ना हो सके। ये टी डब्ल्यू एम बाहर यूएस बाहर ब्लाइंड आ गया टॉप फोर में विद फाइव फिनिशेस साइड से नॉक्स हो रहे हैं। ब्रो मेडल का चिकन है बहुत ज्यादा मुश्किल मेडल ब्रो मैं डाउन है रिवाइव फिंगर्स क्रॉस सिर्फ मेडल का चिकन कर दे भाई आसानी से रिवाइव किया जा सकता है पावर अब इंडिया चलो हील बैटल करते हुए ये डीजी वाले अच्छा तरह ये लोग के पास मौजूद था बट मेडल अभी भी तीन खिलाड़ियों के साथ बट टू जेड बचे हैं मात्र केवल दो खिलाड़ी And that's the first chicken dinner for Team India. So far, two matches हुए, one for India, one for Korea. Let's see what happens on match three. अगर आप लोग भी मेरे जैसा खुश हो गया second match India का chicken देख के, तो भाई हमारे साथ prank हो गया. Match two कुछ technical difficulties की वजह से cancel हो गया and उसको दोबारा rematch कर रहे हैं. तो अब देखते the actual match two. भाई अगर इस match में अगर India chicken ने निकाला ना, तब देखना मैं क्या करूँगा. चलो अब बढ़ते हैं match two की तरफ. Guys क्या लगता है MVP कौन बनेगा इस tournament का? I personally feel like Ninja Jord MVP की लिस्ट में टॉप पे है अभी। अरे भाई भाई NSR वर्सेस रॉक्स टीम के ऊपर हावी होना चाहती है NSR के पास की सर्कल था लेकिन NSR का प्लेयर्स को डाउन दोनों नॉक किया स्पोटा द मेन मैन इज डाउन। दिक्कत बहुत ज्यादा हो सकती है NS रेड को उसके लिए वन प्लेयर रिमेनिंग और इनके जाने का मतलब होगा चुवा जरा खाली हो जाएगा इंडिया। भाई रॉक्स ने पेल दिया ROX टीम बेहतरीन टीम का रॉक्स ने पेल दिया ब्रो में सेवन फिनिशेस ऑलरेडी क्या बात किया। पहली बार मैंने नोटिस किया यार सन को नोटिस किया मैंने पहली बार व्हाट द हेल गेम में सन को कभी देखा नहीं मैंने। अरे भाई टीम एक्सपर्ट की वेरी वेरी बिग ट्रबल ब्रो गाड़ी ब्लास्ट की गई सारंग की रेवेनेंट जोड़ेगी नहीं दूसरी साइड ग्लैडिएटर ये क्या करने दे भाई सेंसी ये क्या करने दे पिछली बार की तरह एक बार फिर से वो आपको एजेस पर फंसते हुए दिखाई देंगे बट पिछली बार ये छोड़ेंगे नहीं ब्रो छोड़ेंगे नहीं सरन इम्पॉसिबल है रेवन उधर आदित्य एचपी डाउन हुई बट अभी भी आदित्य वो सर्कल के बाहर है उनको डैमेज पड़ता हुआ सही समय पे अपने आप को हील किया बट अपोलो वो भी सर्कल के वेरी वेरी बैड पोजीशंस काउंट नॉट एज वेल फ्रॉम एमजे लेकिन साइड लाइन में जो रेवेनेंट के बाकी खिलाड़ी आ चुके हैं उन्हें ऊपर हावी होने की कोशिश पक्की से पक्की टकराई है शोगन पियर्स को पिक करते नजर आएंगे ओए डेस्ट्रोनॉक को दिक्कत दी जाएगी लास्ट मैन स्टैंडिंग फॉर रेवेनेंट कोशिश कर रहे हैं बट शोगन को बैक एंड पर खिलाड़ी दिक्कत दे एमजे एमजे द लास्ट मैन स्टैंडिंग ज्यादा करीब आ चुके थे जस्टिन के पास गोलियां नहीं बची है अभी नहीं बचेंगे द क्लच मशीन एमजे एमजे आखिरी खिलाड़ी एक क्रेट बनेगी जीडीआर का पूरा टीम का गया एमजे तो सही मौके पर आएगी बाप डीके फायदा उठाया पूरा अपने हिस्से में रखेगी इन सब के बीच में सर्कल के अंदर ओशन कोई भी मौजूद फिलहाल इंडियन टीम को दो ही दिख रहा है आखिरी खिलाड़ी
बिग ब्रदर TWM पता था कि ये मुकाबला उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गॉड सर इनका लास्ट मैन स्टैंडिंग निंजा जॉर्ड लास्ट मैन नहीं एक्नॉक्स भी है डाउन किया जाएगा और वहीं पे निंजा जॉर्ड मौजूद है और वो कोशिश ब्लाइंड एस पावर फिनिश उनको समाप्त किया जाएगा और वो ब्लाइंड के आखिरी ग्लाइड टेबल प्लेस इसी बीच उनको भी डाउन किया गया ये और उनको भी नॉक किया गया एक्नॉक्स S12K के साथ नाइस 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 उनको भी डाउन किया गया गॉड्स रेन 5 फिनिशेस एंड टू मैन स्ट्रांग रॉबिन रे हो सकता है बिग ब्रदर आ गया थर्ड पार्टी करने एक्नॉक्स मेरा मार का मसीहा जिस तरीके से क्लच कर रहा है वो रहा है टीम के लिए एक नया जीवन दान डेफिनेटली लेकर के आते हैं भाई दर्द होता है यार लेकिन इस समय आप देखिए दर्द होता है अपने टीम में आपस में लड़ेंगे तो चीजों के बीच में फंसे हुए इट्स पार्ट ऑफ द गेम ऐसे तो खेलना चाहिए निंजा जॉट के लिए मुश्किलें हो सकती हैं बच गया निंजा ओके जरूर साइडलाइंस में आए रॉबिन को ही करना है बिग ब्रदर्स क्या सही मौके पर ये वार कर रहे हैं क्या इस समय गॉडरेन को सबसे ज्यादा दर्द होगा थोड़ा रुक करके खेलने की कोशिश है 26 मीटर इनके और सर्कल के बीच का डिस्टेंस भी है और अगले TWM लॉबस्टर स्टिल सर्वाइविंग शुरू कर देगा खिलाड़ी निंजा तो भाई दे रहा है वो चाहते एक्स्ट्रा फिनिशर्स निकाला तीनों खिलाड़ी तीन ग्रेनेड के साथ मेहनत इनका किल उनका बहुत ज्यादा डीके वो बचेंगे तीन खिलाड़ी अगर यहाँ पे भी समाप्त हुए तो चार प्लेसमेंट पॉइंट चलिए कम से कम एक और जो टीम थी मेडल का क्योया समाप्त हो गए प्लेसमेंट के बाहर और अब बचती है मात्र केवल पांच टीम लॉबस्टर स्टिल सर्वाइविंग टॉप 5 को लेके आ गया उसने अपनी टीम को पड़ो स्पॉटेड है लेकर के आ चुके हैं हां लॉबस्टर का इंफॉर्मेशन है इनके पास और सैफ उसी डायरेक्शन में देखना चाहते हैं आप देखिए नाइस वन रे सैफ स्पॉट किया नाइस वन सैफ की तारीफ करनी पड़ेगी और बिग ब्रदर स्टॉप बहुत सही खेला उसने हो चुकी है चलो अभी फिलहाल टॉप 4 टीम्स और हमला अभी तक उन्होंने किया चल जोन स्टार्ट हो गया इसके बाद ग्रेनेड मौजूद नहीं बट जूनियर वो चाहते थे नॉक निकालना बट फॉरेस्ट अच्छा कवर दिया गया और वो दो खिलाड़ी बहुत आसानी से आपको ईगल आउट के पास आते हुए अरे बाप रे इट्स ओवर इट्स ऑल ओवर उनको भी डाउन किया जाएगा अब डाउन होते हुए निंजा जॉर्ज साइफ में कौन आएगा #2 सैफ की बात करें इसके बाद भी एक ही है लगा चुके हैं अरे भाई साहब सैफ फाइट लेना चाहते हैं ही हैज नथिंग टू लूज ही जस्ट वांट्स टू गो फॉर अ फाइटिंग खिलाड़ी नॉक किया जरूर जाएगा इंपैक्ट अरे निंजा ने मार दिया जॉर्ज पीछे से वो खिलाड़ी को खत्म करेंगे अपना फिनिश देना नहीं चाहते हैं यहीं पे हो जाएगा निंजा वेल प्लेड अगर रीमैच नहीं होता ना तो सेकंड मैच इंडिया लेके गया था बट अभी रीमैच करा के फिर वापस कोरिया 2-0 चल रहा है सुपर टू मैचेस दोनों चिकन डिनर कोरिया ने लेके गया भाई फिर से वापस रीमैच करो यार फिर से वापस रीमैच करो बट गॉड्स रेन बिग ब्रदर ईस्पोर्ट्स TWM दीस थ्री आर द कंसिस्टेंट टीम्स जो इंडिया से मेरे को दिख रहा है टीम एक्सपायर थोड़ा सा हो रहा है इधर उधर एक बार देखते हैं टॉप 5 फ्रैगर्स ऑफ दिस मैच Revenant Esports MJOP with 5 finishes, Nova with 3, Junior with 3, Pumba with 3 and Ninja Jord with 3. क्या बात है? Overall standings एक बार देख लेते हैं after 2 matches. God's Reign at #1. क्या बात है? Big Brother Esports at #2. MTech 3, Eagle Owls 4, TWM Gaming 5, Revenant at 7, Red Force at 6. बट तुम लोग देख सकते हो #1 से #4 तक एक एक पॉइंट का डिफरेंस कुछ भी हो सकता है वन चिकन डिनर एंड सीधा जंप करके जाएंगे इट्स टू अर्ली बट गुड टू सी इंडिया ऑन टॉप पेज 2 पे है ब्लाइंड मेडल टीम एक्सपायर ग्लैडिएटर मतलब दो मैच में उतना पॉइंट्स नहीं निकाल पाए सो फार सिंगल डिजिट चल रहा है काफी बड़े बड़े टीम्स का अभी और 4 मैचेस बचे देखते क्या होगा इन 4 मैचेस में हालांकि डैच की बात करें इसको लग रहा है कि इतने आगे खिलाड़ी हो सकते हैं तो अभी भी ये उधर देखने की कोशिश कर रहे हैं बाप रे गन फाइट शुरू होते ही EMT का 3 बंदे नॉक पड़े हैं एंड ब्लाइंड का S पावर इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग 1v1 सिचुएशन है किस चतुराई से खेल पावर रेव दे रहा है जाना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा रॉनी को वो फिनिश मिलता हुआ रिवाइवल्स की प्रक्रिया दोनों तरफ शुरू हो चुकी है पुश कर दिया S पावर ने होंगे जरूर लेकिन रिवाइव करने से रोका गया चल आगे हैं फाइट अरे भाई लेकिन S पावर को पिक किया जाएगा बैक साइड पर अरे पीछे से निंजा जॉर्ड आ गया ब्रो क्या ही वो कर पाएंगे TBS का प्रहार करने की कोशिश लेकिन देखते ही देखते दो टीमें अलविदा बोलेंगे कितना साइलेंट आया निंजा तकनीकी
अबे यार यार फिर से मतलब इतना अच्छा स्टार्ट होने के बाद तुम्हारा पीछे जो खड़ा है वो आके बोलता है भाई रीमैच है। भाई तुम्हें कितना गुस्सा आएगा, आई वंडर क्या होगा, कितना गुस्सा आएगा निंजा जॉर्ड को उसके बाद। यस इट्स अ रीमैच अगेन। अब देखते हैं द एक्चुअल मैच। फिर से प्रैंक हो गया गाइस, इंडिया के साथ फिर से प्रैंक हो गया। चलो द एक्चुअल मैच बिगिंस नाउ। अब तो भाई अब तो जो मार खाए वो वापस मार खाएंगे कि क्या होगा देखना पड़ेगा। फिर वापस ड्रॉप लोकेशन कुछ चेंज नहीं हुआ, ईएमटी का वही लोकेशन पे जा रहे। ब्लाइंड भी उधर ही जा रहा है ब्रो, फिर से वापस होने वाला है ईएमटी वर्सेस ब्लाइंड। व्हाट विल निंजा जॉर्ड डू रे भाई, ईएमटी का एक बंदा नॉक, बदला लेने के मोटिव से आई है, दो बंदे नॉक ईएमटी के जा रहा है। ये बदला सही रहेगा क्योंकि आप देखिए एक-एक करके खिलाड़ियों, अरे मानिया ने दूसरा बंदा को कितना लो किया बे, कितना लो किया दूसरा बंदक में, बहुत ज्यादा बड़ा झटका लग चुका है। नहीं किया फिनिश उसको, के पास एमो नहीं है, फिनिश कर सकता था ये मान्या को बट फिनिश नहीं किया। रोनी रोनी को एंगल है क्या, रोनी को के पास टीपीपी एंगल है, उनको बस एक गोली चलानी पड़ेगी अगर सही लगे तो। This could be a good grenade, this could be a good grenade, चीजें खत्म करेगा एक और बार। लास्ट फाइट में तो ब्लाइंड को मार देते लोग, मतलब रोनी वाज स्टिल सर्वाइविंग बट निंजा जॉर्ड पीछे से आके मार दिया, बट इस बार प्रॉपर 4v4 हुआ एंड ब्लाइंड wins this 4v4। दिक्कत देते नजर आए लेकिन रेवेनेंट आ गया स्लैम, शायद दिक्कत भरा सबब हो सकता है, एक मोलोटोव डाला गया था, साइड लाइन देखी नहीं गई, बिग ब्रदर्स गॉट ट्रेन के ऊपर हावी हुई है। सेंसी नॉक फिनिश कर गया एक गेम के में, साइड लाइन पर प्लेयर्स को देखा जरूर है, अगर एक टीपीएस होती इस समय तो दिक्कत होती। नाइस वन टीपीएस है और नाइस वन बोलो, नाइस वन इसके प्रतिदिन के लिए, और अगला भी अगर ये जगह से आएगा तो वो नंबर में अपोलो करेगा। ये कर क्या रहे 2Z के खिलाड़ी, वहीं से तो शॉट आया, एक नंबर खेला तो। मुझे लगता है कि यहां पे कुछ गलतियां की जा रही है। एक और खिलाड़ी Y2 वो थोड़ा क्लोजिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, अपोलो की पोजीशनिंग उनको पता है। चलिए फाइनली एक कवर में वो अपोलो, बहुत सही कवर फाइट आएगी और Y2 व्हीकल ब्लास्ट एंड ही विल डाइव, कम हमें देखने को मिलता है व्हीकल ब्लास्ट एंड ही विल डाइव। अगर आप हैं तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी बनते हुए नजर आएंगे, किस्मत तो है पहले और दूसरे पायदान की, किस्मत तो है फाइट जहां पे गॉडट्रेन मुश्किल में डालेगी बिग ब्रदर ईस्पोर्ट्स। रेवेनेंट का लास्ट मैन स्टैंडिंग है अपोलो, वो बच जाएगा उधर। भाई बाहर है कि ग्लैडिएटर्स इस मुकाबले में एक प्रबल दावेदार बन चुके हैं विनर। इज दिस अ मैच ऑफ कमबैक फॉर ग्लैडिएटर ईस्पोर्ट्स, दिस कुड बी मौका बचता भी नहीं है, दिस माइट बी इट, बट टीम एक्सपर्क स्टिल सरवाइविंग टॉप 7 में आ गए ब्रो। एक्सपर्क फाइट बिटवीन देखने को मिल जाएगी डीएस यहां पर एक एंड टीम एक्सपर्क। अरे भाई सारंग को वहां पे टेक डाउन किया जाएगा, स्काउट की बात पुकार कवर, पुकार के कंधे पे एक बड़ी जिम्मेदारी, डीपीएस उनके पास मौजूद है, गुड शॉट ब्रो। जब वो सारंग को मारा था ना आ जाएगा, और इस टाइम पे पुकार को थोड़ा कवर दे सकता था। आखिरी खिलाड़ी वो इस फाइट पे अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाने वाले, जी हाँ वो अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाने की कोशिश। अबे इंटरनेट इशू से क्या क्या अटकाया, उन्होंने क्लोज इन करने की, क्या इंटरनेट इशू था, क्या वो इंटरनेट इशू था क्या, बाहर करा अब आदित्य का इस पे गया वो अब ऊपर। जीडीआर फोर मैन स्ट्रांग, हिटर्स को आप कैसे भूल सकते हैं, डीएस टू मैन स्ट्रांग, साइडलाइंस में नजर आएगी, डीके थ्री मैन स्ट्रांग, उसे रुक सकता है समझ ब्रो। आई विल गो विद और ये अच्छी बैटल है दोनों टीमों के बीच में, ग्रेनेड्स करने की पूरी अच्छी कोशिश। आई वांट टू से जीडीआर बट मैं पनौती बोलेंगे तुम लोग, फिर वो जीत गए तो मार खाएगा तो शॉट लेंगे। आई विल गो विद गॉड्स रेन भी हो सकती है, गॉड्स रेन लेके जाएगा ये मैच। मीनवाइल डीके आगे जाएंगे, वो फिनिश सिक्योर करेंगे और इसी के साथ टक्सन जो हील बैटल करते हुए नजर आएंगे, बट इसी के साथ वो जो पुश है बिनी का वो भी हमें देखने को मिलता हुआ, एक नॉक उन्होंने दिखाया है। बिनी बहुत वो खिलाड़ी है जिसने अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया था एशियन गेम्स में, लेकिन बाय द वे डीके का रास्ता दिखाया जाएगा, दिस डीके वापसी की जरूर, आर द नेशनल चैंपियंस ऑफ कोरिया, लेकिन अब यहाँ पे बचती है चार टीम्स। They are showing the audience why they are the champions. Okay, बिल्कुल आमने सामने throwables का इस्तेमाल किया जरूर। Godson आ गया top four में, क्या बात है चिचा? हमने बात करी। चलो जस्ट थोड़ा मौका चाहिए, थोड़ा मौका मिल गया ना तो अरे भाई ग्लैडिएटर फोर मैन स्ट्रांग यार बोला उन्हें जरूर जाता है, साइड लाइन से शॉट कर सकते हैं, दूसरी तरफ इंडिया जीतना चाहिए यार, ये टैक्सी को फर्क नहीं पड़ता जाएगा एक्विनॉक्स को, बट यार टीम इंडिया वर्सेस इंडिया ही हो रहा है, एक्विनॉक्स एक पुनर के जस्टिन को अपने जॉर्ड पे आती है, निंजा सर्वाइव करेगा सर्वाइवर है निंजा, बनने की प्रबल दावेदारी रखी है इस खिलाड़ी ने, टॉप टू लेके आ जाएगा निंजा, कितनों पे भारी पड़ेगा जब उनके सामने आएंगे खिलाड़ी। अरे भाई आपस में लड़के चिकन मत दिला दे उसको, की कोशिश बट साइड लाइन से डी प्लस किया उनके ऊपर होगी। चलो नाइस 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 नाइस
अबे क्या इंटरनेट शो के बे 1v3 सिचुएशन चीचा चल अगर आप ग्रेनेड इट्स हैपनिंग द फर्स्ट चिकन डिनर अरे बहुत लोग क्या उसने भाई इसका एचपी देखो इसका एचपी देखो एचपी गया इसका 0 एचपी इसका फर्स्ट शील्ड लगा जरूर रहे लेकिन ये फर्स्ट शील्ड आखिरी चीज है जो वो लगा पाएंगे इसके बाद डैमेज करने की कोशिश रहेगी डेस्ट्रो को खत्म जरूर करने की कोशिश लेकिन दूसरी तरफ जस्टिन को भी पकड़ेंगे ये राइजिंग स्टार है कोरिया का लेकिन शायद ये सूर्यास्त कर सकता है ग्लैडिएटर्स के चिकन डिनर पे शोगन बिल्कुल सामने इस पूरे बैटल को 1v1 के ऊपर लेकर के आ चुके बट सोन नोल्बू को बिल्कुल सामने धकेलेगा और अब एयूजी लेकर के S12K के खिलाड़ी के ऊपर ये प्रहार करने की कोशिश है बट S12K क्या यहां पर जीत पाएगी कोशिश थी बट नोल्बू द राइजिंग स्टार टी प्लस किया व्हाट वाज दैट वेल दैट वाज अ 15 पॉइंटर यहीं पर आकर के सैनॉक में ग्लैडिएटर्स को एक बड़ी शिकस्त दी है इस राइजिंग चमकते सितारे ने व्हाट अ क्लच एक 1v3 क्लच अगेंस्ट द जोन दैट वाज द बेस्ट क्लच ऑफ डे 1 हैंड्स डाउन क्या मारा उस भाई पहला तीन मैचेस तीन की तीन कोरिया चिकन लेके जाते हुए बट टीम इंडियन गन पावर तो भाई मेरे को स्ट्रॉन्गर दिख रहा है बट बस चिकन में कन्वर्ट नहीं हो रहा है कोई दिक्कत नहीं अब देखते हैं मैच 4 जो होने वाला है विकेंडी क्या उस ही समय हमें वो विकेंडी का प्ले वो एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा बिल्कुल सामने खिलाड़ी अरे भाई साहब चल चल हो गया अरे भाई थोड़ा एक गोल और मार देता अरे और समाप्त भी कर दिया गया पहला फिनिश जा चुका है ईगल के खाते में फुकार स्काउट नॉक फिनिश हो गया ऑलरेडी ये कब हुआ कैसे हुआ और अब उनके पास अकेला दिखा गया जहाँ से वो ईगल को आसानी से स्पॉट कर सकते हैं आगे आ जाए ऊपर नोवा की एचपी थोड़ी सारंग चला क्रूशियल के पास 27 चला इधर ऑफ कर दिया आदित्य जूनियर फिनिश भी कर दिया बहुत से आएंगे हालांकि अब थोड़ा रुकने का सारंग सही कंपोजर मेंटेन कर रहा है नॉक नहीं करने का ब्रो सारंग एकदम होल्डिंग बिल्कुल आमने सामने एक दूसरे के अपनी जगह बदलने की कोशिश लेकिन नोवा उनकी रग रग से वाकिफ है बिल्कुल आगे की तरफ कर रहा है डीबीएस ब्रो इसके पास डीबीएस है TPP angle लिया हुआ है और यहीं पर अब TBS सही कर रहा है सही कर रहा है दोनों खिलाड़ियों के पास TBS लेकिन नोवा instantly knock finish करते नजर आएंगे ओबे क्या रे things are not going well bro they are playing good they are good finish उन्होंने निकाला तो सही but नोवा तैयार है UMP के साथ अरे भाई चलो पुकार ना निकाल यार UMP बोलेगी और चलो finish down किया जाएगा finish पुकार वो तैयार है फिनिश निकालने को बट ग्रेनेड का इस्तेमाल किया जा रहा है उनके द्वारा देखना ये कि क्या वो ग्रेनेड ठिकाने पे जाएगा ऑडियंस एकदम शांत है ब्रो एकदम शांत है आपको दिखाई देंगे ऑडियंस आर लाइक ये कि आदित्य क्या दे आर एक्सपेक्टिंग स्काउट टू गेट लाइक फ्रीकिंग 4-5 फिनिशेस वो नीचे मौजूद हैं इसी बीच नोवा को बड़े आसानी से रिवाइव किया जाएगा सो दैट दे कैन चीयर फॉर स्काउट भी डाउन किया गया एंड टीम एक्सपर्ट ओ नाइस वन नाइस वन नाइस वन नाइस वन को डाउन किया गया है बट अरे वो रेव हो गया बे फिर वापस वो रेव हो गया आदित्य उनका साथ देने के लिए थोड़ा आगे आए तो सही चल 2v2 अरे ग्रेड बिल्कुल सामने लेकिन वही अश्र होता हुआ पुकार का जो उन्होंने किया था आदित्य बचे हैं आखिरी खिलाड़ी एक थॉमसन के सहारे एक थॉमसन उनके हाथ लग गए पुकार बहुत सही खेला उसने पुकार एक खिलाड़ी को स्पॉट किया जरूर 30 गोलियां बची हैं उनके पास 13 अरे एमओ भी नहीं है भाई जरूर 30 I don't like the odds. The helmet level 2 की best लेकिन अरे पीछे shotgun था ना helmet था. Best को वापस level 1 जितनी capacity का ही कर देता है. दूसरा gun कौन सा use कर रहा है? Uzi. ना चाहते जरूर है जगह बदलने की उनकी कोशिश है. TPP angles लेकर के आगे की तरफ को जा रहे हैं. Nova के पास heal करने का समय अभी के लिए नहीं है. भाई इस gun fight में लगा रहे हैं लेकिन किसी का फायदा नहीं हुआ उनका भी दो बंदे गए अकेले बचे रहे हमारे भी तीन बंदे गए किसी का फायदा नहीं हुआ टू बी ऑनेस्ट अरे टीम एक्सपर्ट बाहर टीम एक्सपर्ट आउट एंड #16 चौथा मुकाबला और ये चौथा खराब मुकाबला वेल द शो मस्ट गो ऑन TWM TWM स्टॉमिक्स के खिलाड़ियों के साथ दिक्कत में अभी 2v4 सिचुएशन है उनका TWM के बिल्कुल ऊपर हावी होना चाहते हैं ग्रेनेड ये ओवरकुक हो चुका अपने टीममेट के लिए दिक्कत हो सकती है जी नहीं और एक नॉक कर दिया ब्रो अब ऊपर जाकर के TWM के खिलाड़ी जो नॉक किए गए हैं एमटेक स्ट्रांग हो सकती है लॉबस्टर
लॉबस्टर ने एक को फिनिश कर दिया जेल भाई लॉबस्टर अपना टीममेट्स का रिवेंज बदला थोड़ी डाउन हुई है वापस नीचे गए थोड़ा और डैमेज देने की कोशिश थोड़ा डैमेज दिया भी गया बट लॉबस्टर ये एक नया और ट्रिक्स उनके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है पहला शॉट कनेक्ट करना था कनेक्ट करना था मजा आता हुआ होता तो शायद चलो एक कैजुअलिटी के साथ अरे भाई रेवरेंट वर्सेस रॉक्स की फाइट हो चुकी है रॉक्स के बिल्कुल विपरीत मुंबई इस समय के लिए बचे रेवरेंट आउट अगर बात करें रेवरेंट आउट बट दोनों में से किसी के भी शॉट वहां पे कनेक्ट नहीं हुए और पुंबा वो ग्रेनेड के साथ जाना चलो भाई मेडल मेडल आया बदला लेने उनको समाप्त भाई का बदला लेने आया मेडल ग्रेनेड के साथ अभी भी पांच ग्रेनेड इस खिलाड़ी के पास मौजूद है एक वो पे कुक्ड ग्रेनेड जाता है उनको वहां पे डाउन किया जाएगा क्योया उनको समाप्त भी किया जाएगा कहां से आके फिनिश किया मात्र केवल दो खिलाड़ी इनकोर वो भी सामने मौजूद है टॉप लगाने की कोशिश कर रहे थे उनको भी डाउन किया जाएगा कुछ भी मार देगा इस बंदा खिलाड़ी बनते अपनी टीम के इनकोर पुंबा क्या वो प्लेयर है पुंबा तो चार फिनिशेस ऑलरेडी इस खिलाड़ी के पास वो ग्रेनेड करने की कोशिश कर रहे हैं खराब निर्णय वहां पे हो सकता है और इनकोर वो खुद के ग्रेनेड से समाप्त हो गए पुंबा वो फिनिश उनको नहीं मिला बट अपनी टीम क्या खेला वे इधर भी वो बना के रखेंगे क्या खेला इधर माय गॉड एक मुकाबला बन सकता था जिस द वर्ड एग्रेशन के पास चांस था ये होता है एग्रेशन सही एग्रेशन चल 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 ग्लैडिएटर्स वर्सेस मौजूद थे एनएसआर ओए शोगन ओपन में आए शोगन उनको भी डाउन किया जाएगा जस्टिन डेस्ट्रो दोनों अंदर जाने को तैयार सही डेल्टा पीजी उन्होंने एक गाड़ी को समाप्त किया डीजी उनको भी डाउन कर दिया जाएगा समाप्त कर दिए गए बट अबे क्या था ये ऊपर की साइड पे और अब आखिरी खिलाड़ी बचते हैं जस्टिन ओशन फाइट जीतते हैं डेल्टा पीजी को नॉक नहीं करना था जस्ट इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग फाइट है जहां पे हम जीती हुई फाइट किसी चीज के द्वारा चल जस्टिन हुए देख रहे हैं बैक टू बैक कुछ नहीं आप सोचिए पांचवी फाइट बन सकती है देखिए बहुत है ओके एक नंबर एक नंबर एक जस्ट इन टाइम एक नंबर क्राउड भी खुश है मैं भी खुश हूं बचाने की कोशिश भी रही है लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो टीपीपी एंगल लेकर के रिवाइवल की तीन किल मिल गए यहां पर डेल्टा पीजी रेम हो गए तो कोई दिक्कत नहीं जो काफी ज्यादा सही रहेगा लेकिन जोन नहीं अरे ये ग्रेनेड कनेक्ट ना हो जाए जैसे ग्रेनेड ना हो जाए ग्रेनेड दिक्कतें दे सकता है डेल्टा पीजी को खत्म किया जाएगा वो ग्रेनेड अपने ऊपर आते हुए देखा बट ही नोस अगर ग्रेनेड आया तो खिलाड़ी भी आएंगे सही डिसीजन लिया उसने अगर हटाने होता ना दोनों मर जाते उधर देखिए टूसी के सामने ए प्लस किया के प्लेयर्स वाइट टू एंड मोन बिल्कुल आगे जाकर के फाइट लेना चाहते हैं के की तरफ से खिलाड़ी को टेक वॉटसन को जगह मिल गया जोन में वाइट टू एंड मोन की एचपी कम जरूर है डीके फाइटिंग विद टू टीम्स ईएमटी एंड सीसी एक नॉक फिनिश हो जाएगा ये पिछले गेम में क्लच करके गया खिलाड़ी बट अब इसको पकड़ा गया है ध्वस्त किया गया है और सामने डी प्लस किया डी के आउट ब्रो डी प्लस इज आउट टूसी के द्वारा विद जस्ट वन फिनिश शायद निकालते हैं ओशन दिस विल गो गॉड्स एंड बोथ दिस हैज टू गो गॉड्स एंड लेट्स गो टीम गॉड्स एंड चलिए इसको मैच में करिए और इस मुकाबले में अगर ये टीम चिकन निकालती है पूरा सर्कल इस टीम के पास है अभी भी तीन खिलाड़ी मौजूद मात्र केवल एक खिलाड़ी समाप्त हुए वाई टू वहाँ पे मौजूद है बट एक बढ़िया ग्रेनेड नाइस वन नाइस वन साइन को भी डाउन किया जाएगा दशाए वो भी मौजूद है बट एक और ग्रेनेड और शायद दशाए वो भी डाउन किए जा सकते थे बट नहीं थोड़ा शॉर्ट रह गया वो वाला ग्रेनेड ये ग्रेनेड क्या वो ठिकाने पे गया जी नहीं ऊपर गिरा एक और ग्रेनेड ये भी क्या ठिकाने पे गिरा जस्ट उनके बाजू पे आएगा उस खिलाड़ी को बहुत सही ग्रेनेड बहुत सही ग्रेनेड और वो समाप्त भी कर दिए जाएंगे और देखते देखते मारू इनके तीन खिलाड़ी थे गॉड्स रेन वर्सेस ईएमटी हो रहा है क्या गॉड्स रेन पहला भारतीय ईएमटी का रखने वाली होने वाला है होने वाला है इट्स अबाउट टू हैपन गाइस जवाब अभी भी निंजा जोड़ भी आ गया देख पीछे से हर किसी को पूरी ले लिया किल भी ले लिया क्या बात है क्या बात है इन स्टाइल लेट्स गो गॉड्स रेन इन स्टाइल लेट्स गो वो एलिमिनेशन और इस सब के बीच में आप देखिए 2C के प्लेयर्स सारे खत्म हुए वाई टू एंड मोन आखिरी खिलाड़ी बचे हुए हैं इस सब में हो सकती है दिक्कतें अरे वो ग्रेनेड इनके तरफ से ये जाएगा वो ग्रेनेड फ्लैश डैमेज हो गए क्या अच्छा लो 1v4 सिचुएशन बस को जोश में होश नहीं खोए हैं प्लेस आखिरी खिलाड़ी को करते हैं टीम इंडिया लेट्स गो गाइस लेट्स गो लेट्स गो एक कंटेनर इन्हें और सशक्त करेगा मजा आ गया ये भारत का चिकन डिनर है जो यहां पर आया है इनकी तरफ से गॉड्स रेन लेट्स बिगिन गो पहले ही वो पहले स्थान पे थे गुड स्टफ चलो थोड़ा थोड़ा बाकी इंडियन टीम्स के लिए भी थोड़ा सा बूस्ट मिला होगा डेफिनेटली टू मोर मैचेस टू गो लेट्स गो एंड फाइनल मैच ऑफ द डे होने वाला है ईरान गिल लेट्स सी क्या वापस इंडिया चिकन निकाल पाएगा लेट्स सी व्हाट हैपेंस अरे बाप रे वापस गन फाइट बिटवीन ब्लाइंड एंड डीके पहला मैच में तुम लोग को पता है ऑलरेडी ब्लाइंड ने डीके को मार दिया
दे आर बैक अगेन, द फाइट इज बैक अगेन, लुक्स लाइक एक कैजुअल्टी ऑलरेडी है, नाइबू को किल मिला, अगली दिशा में आपको दिखाई देंगे। अरे भाई स्कोर नॉक विकेंडी में वो अलग नाइबू यहां पे फाइनली फाइट शुरू हो रही है और शॉटगन के साथ दोनों को नॉक कर दिया, इस पावर भी डाउन था, कुल भी डाउन, क्या मार दिया उसने और खत्म भी कर दिए जाएंगे। मान्या 1v3 बाय नाइबू किया, बट मेडल मेडल वर्सेस सीजी लास्ट मैन स्टैंडिंग सीजी का फाइट की शुरुआत तो होगी और नॉक कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आखिरी प्लेयर सीजे वहां पे बचे हुए, कुछ ना कुछ उनको करना पड़ेगा, क्लच निकाल आउट ड्राइव बट मेडल चल चल बैक उनका आता हुआ, नाइस वन मेडल, नाइस वन, नाइस वन जाएगा, तीन फ्रैग्स मेडल के पास, तीन फ्रैग्स मिल गया, एक कैजुअल्टी फैबियन को उन्होंने देखा, नॉक किया गया बट कॉट लेन वो आना चाहते थे आगे बट फॉरेस्ट उन्होंने सर्विस को देख लिया, उनको डाउन किया जाएगा, पैराडॉक्स रोकने की कोशिश बट उज़ुमा की एक ग्रेनेड, नाइस बंदर बिग ब्रदर स्पोर्ट्स डीके को बाहर कर दिया, बिग ब्रदर ने बाहर में लास्ट मैन स्टैंडिंग डीके का, अरे भाई क्यों यहां पकड़ा गया, मेडल बाहर, रेवेनेंट ईस्पोर्ट्स 5 फिनिशर्स 3 मैन स्ट्रांग, गॉड्स रेन एक बार फिर से टॉप 3 में अपने आप को पाएंगे बट जोन का एक्वानॉक्स रेव दे देगा बट यार ईवोएस वाले से मार खाएंगे गॉड्स रेन, कुछ उनको करना पड़ेगा बट ये क्या, ये 4v3 फाइट है, Revenant versus EOS, EOS, Eagle, Owls, एक final battle. मुझे लगा था टीम Revenant आसानी से वो चिकन डिनर निकाल सकते थे बट फ्यूर्स वो डाउन रहेंगे, एक और ग्रेन आता हुआ जूनियर का, सेंसे उनको भी डाउन किया जाएगा और अब आखिरी खिलाड़ी बचते हैं अपोलो, अपोलो 1v4 ये सिचुएशन देखना चाहिए, क्या वो क्लच कर पाएंगे अपोलो, एक आखिरी खिलाड़ी बचा है, नेड्स उनके पास पहुंच गए बट आसानी से अपोलो को देख लिया गया, सामने का फिनिश होते थे उनको भी डाउन किया गया, फिनिश करने की कोशिश कामयाबी वो हासिल नहीं कर सकते बट जूनियर विद द टीवीएस समाप्त करेंगे अपोलो को और एक और विनर विनर चिकन डिनर। विदर्ड आज के 5 की 5 मैचेस खत्म हो गए हैं, मुझे लगा 6 मैचेस है बट 5 ही मैचेस हुए एंड 5 में से 4 गेम टीम कोरिया ने निकाला चिकन डिनर एंड एक टीम इंडिया के लिए, बट आई फील लाइक गॉड्स रेन टॉप पे होगा, पता नहीं, लेट्स टेक अ लुक एट द ओवरऑल स्टैंडिंग्स, द ओवरऑल स्टैंडिंग्स आर हियर, गॉड्स रेन एट #1 विद 81 पॉइंट्स, क्या बात है ब्रो, क्या बात है, एक नंबर, एट #2 वी हैव ईगल ओल्स, एट #3 वी हैव डी प्लस, एट #4 वी हैव बिग ब्रदर ईस्पोर्ट्स, एमटेक, रेवेनेंट, ग्लैडिएटर ईस्पोर्ट्स, द टॉप 8 में वी हैव 4 इंडियन टीम्स एंड 4 कोरियन टीम्स, वेरी वेल बैलेंस्ड, बट जो गैप गॉड्सलेन बना है ना फिनोमिनल। अब देखते हैं पेज 2, TWM गेमिंग एट 9, टक्सन ईस्पोर्ट्स, NS रेड फोर्स, मेडल ईस्पोर्ट्स, प्रो ब्लाइंडेड #15, टीम एक्सपार्क एट #16, नॉट श्योर क्या हो रहा है बट कल डेफिनेटली है ना पेज 2 में से एटलीस्ट 4 टीम पेज 1 में जाएंगे, फुल प्रिपेयर होकर आएंगे, अगर तुम लोग को डे 2 का भी हाईलाइट चाहिए तो भाई 35 के लिए कर दो इस वीडियो पे एंड आई विल मेक दैट हैपन। बाय द वे मैं एक नया ऑर्ग ज्वाइन करने वाला हूँ, कमेंट सेक्शन में जरूर गेस करना कौन सा ऑर्ग में ज्वाइन करने वाला हूँ, लेट्स सी इफ एनी ऑफ यू गेट दैट राइट, बाकी अनाउंसमेंट होगा वेरी सून ऑन माय इंस्टाग्राम, जो भी मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम जरूर फॉलो करना एंड ऑल्सो लाइक करना मत भूलना, मेक दैट हैपन 35 के लाइक्स, चलो मिलता है अपने हैंडल देन, पीस, कल का स्ट्रीम पे सिर्फ इंडिया ओपी चलना चाहिए लाइव स्ट्रीम पे, ठीक है, चलो लेट्स गो।